मुरादाबाद के लाइनपार स्थित केजीके पीजी कॉलेज में रुहेलखंड विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। महिला और पुरुष की इस जूडो प्रतियोगिता में रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेविका शीतल अग्रवाल एवं पुलिस अकेडमी के डिप्टी SP देवेंद्र सिंह यादव, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुनील चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शीतल अग्रवाल द्वारा सभी खिलाड़ियों को शपथ दिलाने के साथ खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई। और बच्चों से यही अपेक्षा करती हूँ कि वो दिल लगाकर खेलें और स्पोर्ट्स में आगे से आगे बढ़कर अपना कौशल दिखाएं। इसी के साथ मैं उनको बुलाती हूँ शपथ लेने के लिए। मैं प्रतिज्ञा करता या करती हूँ हम इस प्रतियोगिता में निष्पक्ष खेल और खेल भावना के साथ भाग लेंगे। खेल की महिमा और अखंडता और हमारी टीमों के सम्मान के लिए उन नियमों का सम्मान और पालन करेंगे। धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता महिला और पुरुष के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। इस अवसर पर ये बताया गया कि खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है। जूडो प्रतियोगिता के आयोजक और केजीके कॉलेज के खेल प्रभारी अनिल चौहान ने बताया कि आज की इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष की 16 टीमें भाग ले रही हैं। सभी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित प्रतिभागी आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। उद्देश्य यही है कि खेल के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाया जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। सिटी चैनल से बात करते हुए अनिल चौहान ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया। ये MGP रुहेलखंड अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें से सिलेक्टेड जो हमारी टीम बनेगी वो आपका लवली यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में पार्टिसिपेट करेगी जनवरी के फर्स्ट वीक में। कितनी टीमें लगभग? इसमें लगभग 16 टीमों ने प्रतिभाग किया है और कुल मिलाकर जो है आपके 50 बच्चे इसमें हैं। क्या मकसद रहता है ऐसे कार्यक्रम का? तो मेन मकसद तो आपका उद्देश्य है कि जितना भी आप बच्चा खेलेगा कूदेगा तो जाहिर अपना जो है सशक्त और अपना स्वस्थ रहेगा, और जब स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ समाज बनेगा, जब स्वस्थ समाज बनेगा तो अपना देश स्वस्थ रहेगा। और यही मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मुहिम यही है। कितने समय के बाद ऐसी प्रतियोगिता है? ये अभी पिछले महीने हम लोगों ने कराई थी, अपना अक्टूबर में कराई थी वॉलीबॉल की, अभी दिसंबर में हम अपना करा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ फिर हमारा एक प्रतियोगिता होगी। तो हम लोग जब प्राचार्य जब से आए हैं, इन नए प्राचार्य ने हम लोगों उन्मुक्त कर दिया है, कह दिया है कि आप जितना टूर्नामेंट आप करा सकते हैं कराइए, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हर महीने एक प्रतियोगिता हम कराएंगे।